जैसे अगर हम एक बात करें सबसे पहले रिवर्स बात करते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से सॉलिबिलिटी बफर किसी को कोई पॉइंट भी हो तो अपना पॉइंट भी बोल देगा ऐसा नहीं तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिबिलिटी को लेते हुए तो सॉलिबिलिटी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं सिंपल पढ़ा है कि अभी रिवाइज करा देंगे सोलिबिलिटी होता क्या है फिर की एस पी के बारे में इसके बाद क्यूएसपी के बारे में फिर क्यू एस पी और QSP के एस पी के कंपेरिजन से सॉल्यूशन कैसा है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वगैरह फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन फिर एक साथ कई सारे सॉल्ट जिनमें कोई कॉमन आयन हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी, ठीक है ना साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी। इसके बाद जैसे कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन पढ़ा होगा आ जाओ बेटा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन फिर सॉल्युबिलिटी किसी एसिड या बेस सॉल्यूशन में एसिड बेस बफर किसी में भी सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं और एक केस हम लोगों ने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का भी पढ़ा है सॉरी सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया कई सारे आयन पड़े हैं और कोई एक्सटर्नल हम ऐड कर रहे हैं आयन जो इन सबके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है तो किसके साथ पहले करेगा किसके साथ बाद में करेगा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन और किस कंसंट्रेशन की वैल्यू पे कौन कौन से आयन प्रेसिपिटेट हो सकते हैं इस तरह की जो होती हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन तो ये सारी चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी में तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है जैसे मैं फटाफट समराइज करता हूं फिर क्वेश्चन भी लूंगा इनपे देखो तुम्हें पता है कि सोलिबिलिटी के बेसिस पर सॉल्ट जो है वो तीन कैटेगरी में हम लोग लेते हैं सॉल्युबल पार्शियली सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल ठीक है ना तो देखो सॉल्युबिलिटी अगर 0.1 मोलर से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं सॉल्युबल 0.1 से 0.01 की रेंज में है तो पार्शियली सॉल्युबल और 0.01 से कम है तो

इन टर्म्स का प्रोडक्ट ही तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आए नहीं और बी की कुछ कुछ कंसंट्रेशन आ रही है तो उनकी कंसंट्रेशन टू द पावर देयर इज इजकोमेट्रिक ऑफिशियंट ये प्रोडक्ट के एस पी है और इसको वाटर में सॉल्युबिलिटी एस के टर्म्स में अगर डिनोट करते हो तो क्या वैल्यू आती है एक्स टू पावर एक्स वाई टू पावर वाई एस एल्फा टू दावर एक्स प्लस वाई यहाँ अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है इस स्पेरिंगली सोलबल कंपाउंड की जनरली बाय डिफॉल्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम वन लेके चलते हैं तो ये फार्मूला तुम्हें ऐसे नजर आता है कि एक्स टू दावर एक्स वाई टू दावर वाई एस टू दावर एक्स प्लस वाई बट अगर कहीं डिग्री की बात की जा रही है कि भाई स्पेरिंगली सोलबल जो सॉल्ट एड कर रहा है वो एट्टी परसेंट डिसोशियेट हो रहा है नाइन्टी परसेंट डिसोशियेट हो रहा है

अच्छा अब आयनिक प्रोडक्ट सिमिलर टर्म ही है जैसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइंड है डिफाइंड यह भी वैसे ही है बट किसी भी टाइम पर चाहे वो इक्विलिब्रियम हो या ना हो आयंस की जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी है उनकी पावर में अगर उनका स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट लिया जाए तो इन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो किसी भी टाइम पर जब निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम पर यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंपैरिजन हमें सॉल्यूशन के बारे में आइडिया देता है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है किस कंडीशन में तो अगर मान लो क्यू एस पी की वैल्यू ज्यादा होती है के एस पी से इसका मतलब जितने आयन इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए उससे ज्यादा है तो ज्यादा है तो ये आपस में कॉम्बाइन होके क्या तैयार करेंगे प्रेसिपिटेट तैयार करेंगे सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा जब क्यूएसपी के एसपी से ज्यादा है और अगर बराबर है क्यूएसपी क्यूएसपी के तो उस केस में सॉल्यूशन क्या बोलोगे कि दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक है ना या ये सैचुरेशन की लिमिटिंग कंडीशन भी बोल सकते हो कि दिस इज अ लिमिटिंग कंडीशन फॉर सैचुरेट सैचुरेशन और अगर कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है और आयस ऐड किए जा सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर ठीक है अच्छा आप अगर देखें तो इस रिएक्शन का एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है केएसपी ये गिवन रिएक्शन जो हमने लिखी है ए एक्स बी वाई सॉलिड से एक्स ए प्लस वाई एक्वस प्लस वाई बी माइनस एक्स एक्वस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केएसपी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तुम्हें पता है कि टेंपरेचर के साथ क्या रिलेशन होता है भाई याद है ना किस बात पे 39 डिग्री अरे भाई ये कहां से आ गया क्या रिलेशन है एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन तो वही रिलेशन यहाँ यूज हो रहा है कि एक टेम्परेचर पर के एस पी अगर पता है दूसरे टेम्परेचर पर निकालना है तो हम इस रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हैं रिएक्शन का डेल्टा एच हमें गिवेन होगा फिर देखो सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अब जब पहले से ही कॉमन आयन वाला तो लीच एटलीस्ट ही तो हो गया कि अगर तुम इक्विलिब्रियम पर है ये सिस्टम और किसी आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो तो रिएक्शन तो बैक जाएगी और रिएक्शन बैक जाएगी तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर सॉल्यूशन में कोई कॉमन आयन पड़ा हुआ है और तब तुम स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड ऐड करते हो तो रिएक्शन उतना आगे नहीं जाएगी जितना वो पहले जाती तो ऐसे केस में उस कंपाउंड की सोलबिलिटी क्या हो जाएगी कम इसका मतलब कॉमन आयन की प्रेजेंस क्या होती है सोलबिलिटी को डिक्रीज करती है अब करने का तरीका तो तुम्हें पता है बट तुम एक चीज कर सकते हो कि मान लो ये स्पेरिंगली सोलबल कंपाउंड है और ये आयन दे रहा है इस तरीके से तो पहले से कॉमन आयन सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है बी नॉट मोलर जिसकी प्रेजेंस में इसकी घट के कितनी हो गई एस डैश तो जब ये डिजॉल्व होगा डिग्री हंड्रेड परसेंट मानते हुए तो ये बनेगा एक्स इंटू एच डैश ये बनेगा वाई इन टू डैश और बी नॉट पहले से था अब दिमाग में क्या लाएगा कि क्या वाई इन टू डैश निग्लिजिबल है या नहीं है तो ऐसे केस में तुम मान के चलो कि निग्लिजिबल है सीधा बी नॉट प्लस वाई इंटू एस डैश को क्या कर दो बी नॉट के बराबर लिख दो इसको निग्लिजिबल मानते हुए हर क्वेश्चन में आप मानते हुए लिख दोगे तो फिर के एसपी की इक्वेशन बनाओगे अब के एसपी की इक्वेशन में जब तुम सॉलिबिलिटी लाओगे सॉल्व करके तो सॉलिबिलिटी की जब वैल्यू आ जाए तो उसकी मदद से चेक कर लेना क्या ये निगलिजिबल था या नहीं ऑलमोस्ट हर केस में निगलिजिबल ही मिलता है ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है ना तो ये निगलिजिबल ही मिलेगा यहाँ वैल्यू आने के बाद एक बार कंपेयर करा लेना सपोज किसी केस में नहीं मिलता है तो यहाँ तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेंगी फिर लेकिन ऑलमोस्ट ये मान लो कोई भी केस ऐसा तुम्हें नहीं दिखेगा किसी भी बुक का कहीं भी कोई क्वेश्चन उठा लो जानीजिबल ना हो मिलेगा, ठीक है ना तो इसको सीधा अप्रोक्सीमेशन लेते हुए सॉल्व करो और जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी ऐसे ही साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का केस क्या था कि अगर हम एक से ज्यादा स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं वाटर में जिनमें की कोई कॉमन आयन है तो उनकी कॉमन आयन की प्रेजेंस एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी ठीक है ना जैसे इस केस में ए एक्स और बी एक्स दो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है तो दोनों कॉमन आयन एक्स दे रहे हैं और यहाँ x लेते हुए पहले की सॉल्युबिलिटी s1 दूसरे की s2 लेते हुए सॉल्व कर सकते हो सीधी इक्वेशन बनती है सीधे इक्वेशन बनती है तो सॉल्व करके एस वन और एस टू की ये वैल्यू आती है तो ध्यान देना कि कभी वन इंस टू वन के रेशियो में सॉल्ट हैं ज्यादातर ऐसे ही आते हैं तो उनमें सॉलिबिलिटीज की वैल्यूज ये हैं अगर मान लो फार्मूला ए एक्स टू टाइप हो तो वैल्यू बदल जाएगी फिर तो उसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा बट ज्यादातर केस में ए एक्स टाइप ही पूछा जाता है वन इस टू वन वाला तो सॉलबिलिटी की ये वैल्यू तुम चाहो तो दिमाग में रख सकते हो एस वन हो गया कि एस पी वन अपॉन स्क्वायर रूट की एस पी वन प्लस के एस पी टू एस टू ऐसे ही हो गया कि एस पी टू अपॉन स्क् रूटी वन प्लस रखो अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाया था सी यू सी एल और ए जी सी एल वाला जे एडवांस -E का वन एस टू वन वाला ही केस था तो जो भी पुराने क्वेश्चन उठाओगे तुम्हें वन एस टू वन वाले ही मिलने वाले हैं मिले हैं अभी तक तो तुम अगर ये रिजल्ट याद कर लेते हो तो उससे तुम्हारा टाइम बच सकता है एग्जाम में ठीक है अच्छा इसके बाद सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जिस पर हम लोग बात कर रहे थे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है कि सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लिया है जिसमें तीन आयन है सी एल बी आर आई कुछ कंसंट्रेशन इनकी अवेलेबल है और ऊपर से एजी थ्री तुम मिला रहे हो तो जो ये ए जी आएगा ये इन तीनों के साथ प्रेसिपिटेट बना सकता है अब किसके साथ पहले बनेगा बाद में बनेगा दिस इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन तो अच्छा किसी के साथ भी ए जी प्रेसिपिटेट बनाएगा तो एजी की कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि ए जी की कंसंट्रेशन प्लस सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूशन में उस आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के एस पी के बराबर होगी नहीं तो मान लो सीएल के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट के एस पी के बराबर होना चाहिए ए जी सी एल के तो Cl के साथ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कितना एजी चाहिए K1/Cl- इसी तरह Br के साथ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कितना चाहिए इतना इसी तरह I के साथ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कितना चाहिए इतना अब जब तीनों वैल्यूज तुमने निकाल ली तो इनको आपस में तो कंपेयर कर ही सकते हो जिसके लिए सबसे कम चाहिए सिल्वर आयन इसका मतलब सबसे पहले प्रेसिपिटेट उसका ही बनेगा जिसके लिए उससे ज्यादा चाहिए उसके बाद प्रेसिपिटेट बनाएगा और जिसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए उसके बाद सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनेगा ठीक है अच्छा केएसपी एस पी का ऑर्डर तुम्हें ये याद होगा वैसे ही याद है कि नहीं कि ए जी आई का के एस पी वैल्यू सबसे छोटा होता है ए जी बी आर उससे बड़ा ए जी सी एल उससे बड़ा तो अगर सी एल बी आर आई सोल्यूशन में बराबर है तो उस कंडीशन में सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा <coughs> एजीआई का उसके बाद एजी बी आर का उसके बाद एजीसीएल का ठीक है ना अब जैसे यहीं पे एक अच्छी अच्छा क्वेश्चन दिया है काम का है तुम्हारे लिए कि व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस व्हेन ए जी बी आर जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन कि भाई आई माइनस सोल्यूशन में उस समय कितना पड़ा होगा जब ए जी बी आर का प्रेसिपिटेशन होगा तुम्हें पता है कि पहले सबसे एजीआई प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा उसके बाद <coughs> एजी और उसके बाद एजीसीएल तो जब ए का स्टार्ट हुआ है प्रेसिपिटेशन तब कितना आई बचा है यह क्वेश्चन है क्योंकि तुम ऊपर से एजी डालते जा रहे हो आई प्रेसिपिटेट होता जा रहा है लगातार तो आई की कंसेंट्रेशन कम हो रही है इक्वेबियम पर करस्पॉन्डिंग एजी इक्वेबियम पर बढ़ेगा क्योंकि तुम ऊपर से ऐड करते जा रहे हो अलग से भी और जब ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि बीआर के साथ प्रेसिपिटेट बनाने लगे तब आई कितना है वो पूछा है तो देखो इसके लिए काम क्या किया हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि बीआर के साथ अगर प्रेसिपिटेट बनाना है तो ए जी कितना चाहिए <coughs> इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर एजी इतना अवेलेबल होगा और इस ए जी के लिए इक्विलिब्रियम पर आई माइनस कितना अवेलेबल होगा वो हम एसपी के क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कि नहीं तो इस AG के लिए माइनस तो सीधे -सीधे अच्छा तो दिख रहा है बट तो अच्छा क्वेश्चन क्लियर है कि का। नहीं तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसका हो रहा है प्रेसिपिटेट बताओ ये अवेलेबल है फिर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन भाई बड़ा स्पेशल केस है जो जेई में आ चुका है ऑलरेडी एक बार पहले कि अमोनिया में अगर ए जी सी एल करोगे अमोनिया के सॉल्यूशन में अगर ए जी सी एल ऐड करोगे तो Ag बनाता है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी ए जी सी एल की तो देखो ए जी सी एल को जब डालोगे तो भाई बहुत थोड़ा घुलेगा और ए जी प्लस सी एल माइनस देगा लेकिन अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो यह एजे प्लस तो अमोनिया को जैसे ही नजर आता है सॉल्यूशन में एजे प्लस ये तुरंत ही उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज टेन टू द पावर एट और तुमको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेन टू द पावर एट की रेंज का हो इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड चली जाएगी सॉल्यूशन अमोनिया का है दैट मीन्स कि अमोनिया

तो ये जीरो बचा है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई कोई बहुत छोटी वैल्यू होगी टेंडिंग टू जीरो और ये सिल्वर आयन बचा है से और ये इतना अब तुम्हें दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम एक पर एक तो प्लस, का प्रोडक्ट जो होगा वो के एसपी के बराबर होना चाहिए तो एक इक्वेशन एक तो देखो इससे बनी और दूसरा इक्विलिब्रियम पर यह भी सेटिस्फाई करने चाहिए सेकेंड इक्वेशन को तो दूसरा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है की एफ जो कॉम्प्लेक्स अपॉन सिल्वर आयन इंटू अमोनिया का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए ठीक है मैं रिवाइज करा रहा हूं इस चीज ध्यान से देख लो इस तरह के केसेस आजकल पूछे जा रहे हैं अमोनिया ना हो के कुछ और हो सकता है क्योंकि जेई में अभी दो तीन साल में जो सॉलबिलिटी वाले क्वेश्चन आए वो डायरेक्ट नहीं आए इसी तरह के घूमे फिरे आए ठीक है तो बाकी तो इक्वेशन एक बार बनी तो कैलकुलेशन हो जाएगी कोई समस्या नहीं है अब तुम यहां से यह भी बोल सकते हो कि भाई प्योर वाटर में जितना एजीसीएल घुलता था अमोनिया के सॉल्यूशन में उससे ज्यादा घुलेगा या कम अमोनिया के सॉल्यूशन में उससे ज्यादा घुलेगा क्योंकि अमोनिया क्या सिल्वर को कंज्यूम कर रही है और सिल्वर को कंज्यूम कर रही है इसका मतलब लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ाएगी और आगे जाएगी तो एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी क्लियर है <coughs> ये केस अभी 2018 में पूछा गया था पढ़ते तो हम लोग रहते हैं लेकिन 18 वाला केस ही है ये लगभग एजीसीएन एक सोलबल कंपाउंड है जिसकी वाटर में सोलबिलिटी तो एजीसीएन में खास बात यह है कि भाई AgCN तो डिजोल्व होके एजी प्लस सी माइनस देता है बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन ये जो सी माइनस है ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है सी माइनस वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होके एस सी एन एंड ओ एच देता है इसका मतलब सी एल माइनस इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या हो रहा है कम और ये कम हो रहा है तो ये रिएक्शन इसका मतलब अगर सी एन हाइड्रोलाइज ना हो रहा होता तो सॉल्युबिलिटी जितनी आती अभी सॉल्युबिलिटी उससे ज्यादा आएगी ठीक है तो अब तुम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करो कि भाई अगर यह स्मोल्स पर लीटर डिजोल्व हुआ है तो ये एस बनेगा ये भी एस बनेगा लेकिन ये अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डिग्री डिग्री अगर अगले रिएक्शन की की हाइड्रोलाइसिस अल्फा है तो ये बचेगा एस वन माइनस एल्फाट एस एल्फा एस एल्फा बनेंगे तो क्योंकि ये कॉमन आयन है दो रिएक्शन का तो नेट कंसंट्रेशन इसकी एस वन माइनस एल्फा बच रही है तो हर जगह नेट वैल्यू एस वन माइनस एल्फा लिखेंगे तो फाइनली सिल्वर एस है ये एस वन माइनस एल्फा है और ये एस अल्फा एस अल्फा तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं दो अननोन हमारे पास हैं एक तो एस है और एक एल्फा है तो एक इक्वेशन एक तो सोलबिलिटी की बन जाएगी कि इनका प्रोडक्ट के के बराबर होना चाहिए ठीक है और दूसरी इक्वेशन ये सेकेंड वाले से हाइड्रोलाइसिस की बन सकती है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट के है तो दिस इज एस सी एन इन एच माइनस अपॉन सी एन माइनस ठीक है अच्छा सी एन माइनस का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा एस का के तुमको पता है तो के डब्ल्यू बाई के ठीक है तो इस तरीके से ये चीज चेक कर सकते हैं सॉल्व हो जाएगा फिर अच्छा जे, एक ये हो गया केस की वाटर में अगर एजीसीएन घोल रहे हैं एजीसीएन की जगह ए भी हो सकता है एग्जाम में ए भी करके दिया है क्वेश्चन और दूसरा इसी केस का हम ले रहे हैं कि सॉलबिलिटी एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगी एजीसीएन की तो एसिडिक सोल्यूशन वाला केस भी देखो कि एजी सी एन जो है वो बेसिकली एजी और सीएन तो देगा अगर वाटर होता तो सीएन हाइड्रोलाइज हो जाता CN तो बेस का, का काम कर रहा है लेकिन सोल्यूशन एसिड का है तो एसिड का है तो इसके साथ ये रिएक्ट करके एस सी एन बनाएगा अच्छा एस सी एन का डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट बैक रिएक्शन का डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट लगभग टेन टू दावर माइनस टेन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कितना होगा टेन टू दी पावर प्लस टेन इसका मतलब ये रिएक्शन तो पूरी फॉरवर्ड ही जानी है ना तो जैसे ही सी एन आएगा सोल्यूशन में ये प्लस उसको कंज्यूम करके SCN में बदल देगा तो तो अब ये मान लो आया था तो पूरा सॉरी एस मोल्स पर लीटर आया था तो पूरा का पूरा कंज्यूम होके लगभग जीरो बचेगा जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच प्लस आय एक्स माइनस एस बचेगा एस सी एन एस तो अब देखो दो अनोन है दो इक्वेशन एस एंड वाई एक इक्वेशन बता बना सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट के एसपी के बराबर हो दूसरा बना सकते हैं कि इसके एस सी एन के डिसोशिएशन के लिए इन टू दिस, दिस अपॉन दिस ये हो जाएगा के ऑफ एस सी एन जैसे जो बनो तो बस तुम्हें तो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है एक तरीके से अगर इक्विलिब्रियम पर जाएं तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाले ही तो कैसे तो यहां पर लगते हैं आइनिक में जैसे जेई वाला क्वेश्चन लेते हैं जरा वो हाँ बेटा एडवांस हो गया तुम लोग हैं पीपीटी डालना है टेलीग्राम पे अच्छा अच्छा नोट्स डालने चलो ठीक 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 अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जरा इस पर फोकस कर लेते हैं ये क्वेश्चन इसमें देखो सॉलबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ए बी एस की इसकी पी एच थ्री पर पूछी गई है इसकी सॉलबिलिटी पी एच थ्री पर पूछी गई है तो पी एस थ्री पर पूछी गई तो जरा अभी देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा जगह कैसे बनाए रुक जाओ जरा इसको हम लोग लेते हैं दूसरे उस पर फिर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन देखना अच्छा क्वेश्चन है ठीक है भाई क्वेश्चन वाइट है तो बैकग्राउंड वाइट ही रखना पड़ रहा है देखो भाई इस क्वेश्चन की जैसे बात करेंगे अच्छा क्वेश्चन है अब उसी तरह हम आगे बढ़े अगर कि भाई ए बी अगर ये सॉल्ट है तो ए बी सॉल्ट ये देगा आयन ए प्लस बी माइनस तो इसकी सॉलबिलिटी अगर एस मोल्स पर लीटर मान लें तो आयन दोनों एस मिलेंगे कि नहीं अब तुम्हें बोला जा रहा है कि ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड का सॉल्ट है इसका मतलब वीक एसिड का सॉल्ट है तो इसमें उसका कॉन्जुगेट बेस आयन पड़ा होगा कि नहीं और कॉन्जुगेट बेस आयन कौन सा हुआ अगर वीक एसिड एच बी है तो कॉन्जुगेट बेस आयन बी माइनस हुआ कि नहीं और कॉन्जुगेट बेस आयन बी माइनस हुआ तो उस कंडीशन में बी माइनस सोल्यूशन में जो H प्लस है उनके साथ इंटरेक्ट करके वो वीक एसिड एच बी बनाएगा और वीक एसिड एच बी का के दिया है टेन टू दावर माइनस एट इसका मतलब जो अभी रिएक्शन लिखी है उसका के क्या होगा होगा कि नहीं अच्छा तो अब लेकिन लैंग्वेज यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बोला है कि pH 3 थ्री पर सोलिबिलिटी क्या होगी इसका मतलब सॉल्यूशन की पीएच हमने फिक्स करके रखी हुई है थ्री उसको नहीं बदलने दे रहा है अब यह पीएच है तो बताओ कितनी सॉल्युबिलिटी होगी तो एच प्लस आयन कितना हो गया टेन टू दॉर माइनस थ्री बी माइनस है एस तो तुम्हें पता है ये तो ऑलमोस्ट रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी तो ये बचना चाहिए जीरो अब जीरो ना लिख के इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो इसको हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक टेंडिंग टू जीरो वैल्यू है अच्छा अब पीएच थ्री सोल्यूशन की मेंटेन है तो ये पूरा रिएक्ट कर भी जाएगा तो भी सॉल्यूशन में H प्लस की वैल्यू में चेंज नहीं होगा या लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज में बोला है कि पी थ्री पे बताओ सॉल्युबिलिटी कितनी है इसका मतलब पी थ्री फिक्स है सॉल्यूशन की जिसपे सॉल्युबिलिटी बतानी है इसमें बहुत लोग फंस गए थे लैंग्वेज के चक्कर में अच्छा एच बी कितना बनेगा एस ठीक है तो आप देखो एस और वाई दो अनोन है दो इक्वेशन पहले तो बना लेते हैं कि एस और वाई ये प्रोडक्ट होना चाहिए कि के एसपी के बराबर के एसपी कितना दिया है टू इंटू टेन टू दावर माइनस टेन दिया है। और दूसरा आयनाइजेशन कांस्टेंट एच बी का टेन टू दावर माइनस एट दिया है तो क्या लिखें इसको वाई इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एस ये वैल्यू टेन टू दावर माइनस एट सही है इक्वेशन भाई देखो आ, ये क्या क्या आ जा रहा भाई ठीक है तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है सॉलिबिलिटी की वैल्यू जो वाइन टू टेन टू दावर माइनस थ्री के टर्म्स में अच्छा यहां पे जो वाई है ये अपने वाले वाई से अलग है सोलबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट पी एस दिस इंटू टेन टू ये अपना वाला वाई अलग है तो बेसिकली सॉलिबिलिटी बतानी है अगर पढ़ लो तो तो सॉलबिलिटी मतलब ऐसा बताना है तो क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या कि डिवाइड कर दें डिवाइड कर दें तो वाई तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड करके कितना एस स्क्वायर अपॉन टेन टू द पावर माइनस थ्री इधर टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव ठीक है ना तो यहाँ पे s की वैल्यू हमें निकालनी है तो s तुम अगर देखो तो किस फॉर्म में चाहिए हमें टेन टू द पावर माइनस थ्री के फॉर्म में चाहिए तो इसको सिक्स बनाना पड़ेगा तो ये रूट ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री आएगा कि नहीं तो रूट ट्वेंटी की वैल्यू देनी थी और ये दो डेसिमल वाला क्वेश्चन था उन्होंने रूट की वैल्यू नहीं दी थी ट्वेंटी की ये मैं बता दू पेपर का ठीक है ना तो रूट टू और रूट टेन तो याद ही है या कुछ कर लो जुगाड़ और क्या चीज निकाल लोगे तुम लोग तो होशियार हो समझ गया ना भाई क्लियर अ पॉइंट कोई कंफ्यूजन किसी का तो सॉल्वेबिलिटी पे क्या क्या पूछा गया उस पर क्या फोकस है अपना वो सारी चीजें हम देख रहे हैं घर पे जाके थोड़ा और इस पर काम कर लेना तो फिनिश हो जाएगा मामला ठीक है एक तो ये पार्ट हुआ अपना सॉलिबिलिटी वाला कहां पे फोकस रखना है दिमाग में है अपने बाकी सब छोटी छोटी चीजें इसके अलावा